जालौन की उरई विधानसभा सीट के पिछले रिकॉर्ड यानी 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देने की तो जान लीजिए, सियासी समीकरण समझना आसान होगा जब आप जानेंगे कि 2017 में जालौन की उरई विधानसभा सीट पर करीब 63% वोटिंग हुई थी और इस चुनाव में बीजेपी के गौरी शंकर वर्मा ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह कठेरिया को चुनाव में मात दी थी। वहीं अब आपको जालौन की उरई विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों से भी रूबरू कराएं, जिसमें आपको यहां का सियासी मिजाज समझ में आएगा। जैसे कि 2007 में जालौन की उरई सीट पर कांग्रेस के विनोद चतुर्वेदी ने चुनाव जीता था। वहीं 2012 में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होने के बाद सपा के दयाशंकर वर्मा यहां से विधायक बने। जबकि 2017 में आई मोदी लहर तो इस सीट से बीजेपी के गौरी शंकर वर्मा ने जीत दर्ज की है। अब बारी आपको जालौन की उरई विधानसभा सीट के उन चेहरों से रूबरू कराने की जो कि आने वाले वक्त में जीत का दावा पेश कर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा का। दूसरा नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का, जिनकी दावेदारी तय नहीं है लेकिन प्रभाव बहुत है। तीसरा नंबर है सपा के दयाशंकर वर्मा का, जो 2012 में इस सीट से विधायक थे। चौथे नंबर पर आते हैं महेंद्र सिंह कठेरिया, जो 2017 में सपा से रनर अप रहे। तो ये 4 बड़े नाम हैं जिनको लेकर पार्टी दांव खेल सकती है। बारी है सिलसिलेवार तरीके से जालौन के उरई विधानसभा सीट के इन तमाम चेहरों के बारे में जानकारी देने की, ताकि आपको इनका सियासी रसूख और ताकत समझ में आए। पहला नंबर मौजूदा विधायक गौरी शंकर वर्मा, 2017 में चुनाव जीतते हैं और मौजूदा विधायक हैं। दलित तबके के बीच मजबूत बैठ रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है, संख्या ज्यादा है। गौरी शंकर वर्मा की उरई के सवर्ण तबके के बीच भी पकड़ अच्छी है, ये बड़ी बात है। अब आपको बताते हैं जालौन के उरई विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे जिसकी दावेदारी नहीं है लेकिन सियासी रसूख बहुत बड़ा है। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिले को स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी कर्मभूमि बनाया है, तो इसलिए खास हो जाता है। 2017 में बुंदेलखंड में बीजेपी को जो कामयाबी मिली उसका श्रेय भी स्वतंत्र देव सिंह को है। ऐसे में उरई में उनका प्रभाव माना जाता है। तो वहीं अब आपको जालौन के उरई सीट के तीसरे बड़े चेहरे से भी रूबरू कराएं, समाजवादी पार्टी चेहरा है और ये है दयाशंकर वर्मा। 2012 में उरई सीट से सपा के विधायक है। वर्मा की इलाके में दलित और पिछड़े तबके के बीच पकड़ मानी जाती है। चुनाव लड़ने की वजह से मुस्लिम वोटर्स के बीच भी अच्छी पकड़ है, इनकी तादाद भी सीट पर अच्छी है और इन्हीं खूबियों के साथ 2022 के लिए ये दावेदारी पेश कर रहे हैं। बारी आती है जालौन के उरई विधानसभा सीट से चौथे बड़े सियासी चेहरे की, ये हैं महेंद्र सिंह कठेरिया। 2017 में चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे और जिला पंचायत सदस्य हैं। दलित ओबीसी वोटर्स के बीच इनकी अच्छी बैठ है और इसी के बदौलत 2022 के लिए इनकी दावेदारी पेश होती दिखाई देती है। आइए सीधा रुक करते हैं बुंदेलखंड के जानकार हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी का। और सर, आपका स्वागत करते हुए जानना चाहेंगे कि इस हॉट सीट पर, जो कि हॉट सीट में एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप किस तरीके का सियासी समीकरण आप देख पा रहे हैं? नमस्कार प्राची जी, मैं अनिल शर्मा और एडीआर से भी पत्रकारिता के साथ एडीआर का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा परिदृश्य इस समय बदला हुआ है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि प्रियंका गांधी 40 सीटें दे रही हैं, उसी के चक्कर में दिल्ली में केजरी का भाजपा के शीर्ष नेताओं की और उसमें संघ के भी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि भाई 75 जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश में एक 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 सीट एक जिले में महिला को दी जाएगी। अच्छा। तब से यहाँ बीजेपी के खेमे में भी बहुत उत्साह है और उन्हें ये लगता है कि महिला अगर हो जाएगी तो होगा। और दूसरी चर्चा ये है कि 106 सीटें जो है भाजपा के लगभग एक तिहाई 312 सीटों में से टिकट कटने वाले हैं, इसकी भी चर्चा बहुत है। तो जो प्रेजेंट विधायक है, चाहे गौरी शंकर वर्मा हो, उसके अलावा भी भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इस उम्मीद में है। दूसरी तरफ महिलाएं, खासतौर से पूनम, श्रीमती पूनम, रेखा वर्मा और सुनीता वर्मा, इनमें भी बड़ी उत्साह की लग है कि अगर महिला का होता है तो भाजपा से हमें टिकट मिलेगा।